नमस्कार, स्वागत है आपका उदय प्रभात न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रिया नौटियाल। इस वक्त मौजूद हैं हम धरना स्थल ग्राउंड में। जैसा कि आप देख सकते हैं, नर्सिंग एकता संघ वाले धरना पर आंदोलन में बैठे हैं और इन्हें 21 दिन हो चुके हैं धरना स्थल में बैठे। मांग अभी तक नहीं रखी गई है और ना लिखित रूप में रखी गई है और यहाँ पर इन लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे यहाँ पर लोग काफ़ी दूर दूर से आ रखे हैं अपने बच्चों को लेकर और यहाँ पर रात को सांप बिच्छू का भी बहुत डर होता है और यहाँ पर गंदगी भी बहुत ज़्यादा है जी। इन लोगों को डेंगू होने की भी समस्या हो सकती है और यहाँ पर जो बच्चे आ रखे हैं उन लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। आइए जानते हैं धरना स्थल का पूरा मामला। भारत माता की जय। भारत माता की जय। नरसिंह एकता जिंदाबाद। नरसिंह एकता जिंदाबाद। एक नरसिंह एकता जिंदाबाद। एक ही मांग एक ही नारा वर्षवार हो चैन हमारा। एक ही मांग एक ही नारा वर्षवार हो चैन हमारा। नमस्कार सर, स्वागत है आपका उदयपुर बात में। सर आपका नाम? मेरा नाम गोविंद सिंह रावत है। मैं सचिव, प्रदेश सचिव हूँ उत्तराखंड समुदाय एवं बेरोजगार महासंघ उत्तराखंड। सर आपको धरने में अभी कितना समय हो चुका है? आज देखिए, आज हमारे धरने का 21वां दिन है। हम लगातार 27 तारीख से जब हमने सचिवालय कूच किया था उस दिन हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनुमोदन कर दिया था कि आपका वर्षवार हो रहा है, लेकिन हम उसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं जो पिछले कैबिनेट में हुई थी दिसंबर में। तब भी हमको यही छलावा दिया गया कि आपका शासनादेश आ रहा है, आप घर जाइए। फिर हमारा फिर दोबारा से अनुमोदन हमारा ये लास्ट 27 तारीख को हमारा अनुमोदन कर दिया मुख्यमंत्री जी, लेकिन अभी तक हमारा शासनादेश नहीं आया, जिसको लेने के लिए हम सभी पूरे प्रदेश से यहाँ पर लगातार हमारा 21वां दिन है। आज हम धरना दे रहे हैं, हम तब तक नहीं जा रहे हैं जब तक हमारा शासनादेश नहीं आएगा। हम आपके माध्यम से सरकार को ये बताना चाह रहे हैं कि हमारा शासनादेश लाइए और हम अपने कार्यों में वापस जाएंगे। सर आज़ादी का महोत्सव आपके जीवन में कितना महोत्सव लेके आया है? नहीं, वो तो एक हमारा राष्ट्रीय पर्व है। हमने पूरे 14 तारीख को हमने पूरी तिरंगा यात्रा भी निकाली और वो अलग बात है कि हमारा एक राष्ट्रीय पर्व है। हम उसको पूरे दिल खुल के हमने उसको मनाया, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा दर्द ये रहा कि हमें जहां हमें घर पर होना चाहिए था और अपने परिवार के साथ इस पर्व को मनाना चाहिए था, आज हमें धरना स्थल पर मनाना पड़ा ये इस साल यह पर्व हमें। सर आप लोगों ने कैंडल मार्च निकाली गई थी तो उसमें आपका कितना असर पड़ा था आंदोलन में? देखिए, असर तो तब दिखेगा जब हमारा शासनादेश आएगा। हमें बोला गया था कि आपका शासनादेश जल्द ला रहे हैं, चाहे मंत्री जी हो, माननीय मुख्यमंत्री जी हो, हमने उनका धन्यवाद भी दिया हर स्तर पे, लेकिन पता नहीं किन कारणों से हमारा अभी शासनादेश नहीं आ पा रहा है। हम उसी शासनादेश का इंतजार कर रहे हैं। टाइम बाउंडेशन हमें भी सरकार ने ऐसा नहीं बता रखा कि कल आ रहा है या परसों आ रहा है। सर मुख्यमंत्री के संबोधन से आप लोगों को कितना संतुष्ट हुई? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो हमें आश्वासन दिया है और उन्होंने कैबिनेट में भी लाके हमें एक ऊर्जा दी, जिस कारण से हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और जल्दी शायद हमारा शासनादेश आ रहा है, हमें उम्मीद है पूरी। थैंक यू सर। नमस्कार मैम, आपका नाम? मेरा नाम अलका नेगी है, मैं श्रीनगर से हूँ। यस मैम, आप इतनी दूर से यहाँ पर आए हो तो आपको क्या लगता है कि आपको लिखित रूप में आपके आंदोलन में बैठे हो तो आपको आश्वासन मिलेगा? हाँ जी, हाँ जी, आश्वासन तो हमको मिला ही हुआ है। 27 तारीख को जब हम 29 तारीख को मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए गए थे तो उस दिन मुख्यमंत्री जी ने यही बोला है कि आप लोगों का काम हो गया है, आप लोगों का वर्षवार हो गया है, बस शासनादेश के लिए ही यहाँ पे हम रुके हुए हैं। तो आपको शासनादेश कब तक आएगा? हम ये तो हमको भी नहीं पता कि कब तक आएगा, लेकिन जहाँ तक हम लोगों को आज 21वां दिन यहाँ पे हो गया 27 तारीख से, तो हम लोग भी यही आशा कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारा शासनादेश आए ताकि हम लोग भी अपने कार्य पे जा सकें। यहाँ पे बैठना हमको भी अच्छा नहीं लग रहा है, हम लोग काम करने वाले लोग हैं, सब ड्यूटी वाले लोग हैं, यहाँ पे आके बस बैठना ही हो रहा है। क्योंकि भाई लास्ट टाइम भी जब कैबिनेट हुई थी तो उस टाइम पे भी यही बोला गया था कि आपका काम हो गया है, शासनादेश आ जाएगा, लेकिन वो शासनादेश तब भी नहीं आया। इसलिए अभी हम
तभी उठेंगे यहाँ से जब तक हमारा शासनादेश नहीं आएगा। आपको क्या लगता है 21 दिन हो चुके हैं, अभी तक कब तक आएगा शासनादेश? अब देखो मैम, उम्मीद पे दुनिया कायम है बोलते हैं, तो हम भी यही आशा कर रहे हैं कि अब लिखत पढ़त वाला काम है उसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए हम लोग भी वेट ही कर रहे हैं इस चीज़ का कि कब तक आएगा। आपको यहाँ पर 21 दिन हो चुके हैं, तो आपकी फंडिंग कौन करता है यहाँ की? हम आपस में ही सब लोग इकट्ठा कर रहे हैं पैसा, बाकी और किसी की तरफ से चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। सारे जो इधर हमारे प्रदेश में सब जगह से हमारे साथी लोग हैं जो नहीं आ पा रहे हैं वो लोग भी कर रहे हैं, बस ऐसी करके काम। लोगों के पास जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, आंदोलन में बैठे उसके बाद भी आप यहाँ का खर्चा निकाल रहे हो, तो कैसे निकाल रहे हो? मैम वही अब घर वालों से मांग रहे हैं, हमारी तो बहुत शर्म हो गई है हमारे लिए, क्योंकि हम लोग जहाँ पे कार्यरत हैं वहाँ से भी हमको निकाल दिया गया है, हम वापस कैसे जाएं वहाँ पे, हमको ये भी मतलब वहाँ जाने में भी शर्म लग रही है, बहुत मुश्किल हो रही है इन सब चीज़ों को करने में। जैसा कि इन्होंने बताया है, इनकी मांग मुख्यमंत्री ने रखी गई है और लिखित रूप में नहीं मिली है, प्रशासन इनकी मांग लिखित रूप में रखेंगे और ये तभी ही धरना स्थल से उठेंगे जब तक इनकी मांग नहीं रखी जाएगी। ऐसे ही धरना स्थल की खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे उदय प्रभात न्यूज़ के साथ। कैमरामैन अगस्टिन मांडा के साथ रिया नौटियाल।